नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्तियों का कार्य क्षेत्र एकीकरण का जनपद स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। इस दौरान जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्करों का कार्य शासन के द्वारा चल रही योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यही लोग घर घर जाकर नागरिकों सरकार की योजनाओं के बारे में बताती है, जिसको देखते हुए ये प्रशिक्षण शुरू हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में जो अभियान शुरू होना है उसका व्यापक रूप से प्रचार हो सके। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव कुमार मिश्रा, पीडी अनिल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हम आपको स्वागत करते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं, साथ ही शुभकामना देते हैं कि जो है आप लोग जो है इस टीम में जो है पूर्ण रूप से आंगनवाड़ी और आशाओं के बिना संभव नहीं है। मेरे ख्याल से हर जितने प्रोग्राम होते हैं हर में हम आपस में काम करते हैं। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है कि दोनों ग्रुप आपस में मिलकर के कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा। इन सारे लोगों का एक बार सभी लोगों से एक परिचय हो जाएगा और फिर हम आगे अपना प्रशिक्षण शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको समय से सारी चीज़ें प्रोसेस जो भी है वो सारा बता सकें। तो सभी का पहले तो मैं स्वागत करती हूँ और ये आंगनवाड़ी आशा की कार्यक्षेत्र एकीकरण की जो हम जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कर रहे हैं, इसमें हम लोग पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो परिचय में सिर्फ हम अपना नाम और अपने जनपद और पद को बताएंगे। मैं अपने से ही शुरू करती हूँ। मेरा नाम अर्चना शुक्ला है और मैं लखनऊ में स्टेट ऑफिस में यूपीडीएसयू में एज अ टीम लीडर काम कर रही हूँ। और